नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा नीतीश हमारे घर आकर हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे थे, गिड़गिड़ाने की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमने दो बार भला किया, अब नहीं करेंगे। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम, जुलाना से विनेश के खिलाफ लड़ेंगे बीजेपी के योगेश बैरागी, हरियाणा में अब तक बीजेपी के 88 उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी लिस्ट हो सकती है जारी, अब तक 41 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस के 49 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, बीजेपी कांग्रेस के बागी नेताओं को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर आम आदमी पार्टी की नजर, आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में भी हो सकते हैं बागी, जल्द जारी हो सकती है आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी में नहीं थम रहा इस्तीफों का सिलसिला, गन्नौर से देवेंद्र कादियान ने दिया पार्टी से इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशी कवलजीत सिंह अजराना ने पार्टी को टिकट लौटाया, पिहोवा बीजेपी प्रत्याशी कवलजीत ने विरोध के चलते फैसला लिया। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव बीजेपी की टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा सीट से दो बार लड़ चुके हैं चुनाव। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे मशहूर गायक कन्हैया मित्तल, कांग्रेस में जाने का फैसला वापस लिया, वीडियो जारी कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। नॉमिनेशन के बाद हरियाणा सीएम ने किया रोड शो, कहा बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में बने बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने विकास किया। हरियाणा की लाडवा विधानसभा सीट पर नामांकन से पहले सीएम नायब सैनी ने किया कार्यालय का उद्घाटन, हवन पूजन भी किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे इंजीनियर राशिद, दिल्ली की कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत दी, जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी है राशिद। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा निष्पक्ष नहीं नियंत्रित थे लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी के बयान पर बोली बीजेपी, कहा भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल, राहुल गांधी की बातों का जवाब देना मूर्खता से भरा हुआ। राहुल के सिखों पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया, कहा राहुल गांधी को अदालत तक घसीटेंगे, देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मायावती का बड़ा अटैक, कहा सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी कांग्रेस, राहुल के घातक बयानों से सावधान। कोलकाता में डॉक्टर्स का जोरदार प्रदर्शन, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक के इस्तीफे की मांग, मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर्स का ड्यूटी पर लौटने से इनकार, बोले पहले राज्य सरकार मांगे मन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को ट्रांसफर की दिल्ली बीजेपी के विधायकों की चिट्ठी, बीजेपी ने की थी केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बीजेपी के विधायकों की चिट्ठी पर बरसी मंत्री आतिशी, कहा बीजेपी का एक ही काम चुनी हुई सरकारों को गिराना, केजरीवाल की सरकार गिराने की साजिश रचती रहती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, राव साहेब दानवे को बीजेपी ने चुनाव संचालन समिति का गठन कर अध्यक्ष बनाया। बिहार में सीट बंटवारे पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा विधानसभा में लोकसभा से अलग फॉर्मूला होगा, पुराने फॉर्मूले से नुकसान हुआ है, बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव के आभार कार्यक्रम की समस्तीपुर से शुरुआत, कर्पूरी सभागार में आज जुड़ी कार्यकर्ता से तेजस्वी ने संवाद किया, विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसी।